हेलो माय डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका इस चैनल में। और आज के इस वीडियो में हम क्लास 9 का फिजिक्स चैप्टर 4 गुरुत्वाकर्षण के अति लघुतरीय प्रश्न का पार्ट 1 वीडियो लेकर आया हूं। पार्ट 1 वीडियो में प्रश्न संख्या 1 से लेकर 13 तक होगा। और चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। आप लोग बिना वीडियो को स्किप किए देखिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है कि गुरुत्वाकर्षण बल किसे कहते हैं। तो गुरुत्वाकर्षण बल किसे कहते हैं, तो इसका जो आंसर हो जाएगा अति लघुतरीय प्रश्न 1 का, पृथ्वी जिस बल के द्वारा किसी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है तो उसे गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। क्या कहते हैं, तो उसे गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्त। अगला क्वेश्चन है कि गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मान लिखे। तो गुरुत्वाकर्षण नियतांक जिसे हम लोग जी यानी कैपिटल जी से सूचित किए करते हैं, और इसका नियतांक है जो 6.67 × 10⁻¹¹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर। ये आपका गुरुत्वाकर्षण का नियतांक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है कि पृथ्वी तथा उसकी सतह पर रखी किसी वस्तु के बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल का परिमाण ज्ञात करने के लिए सूत्र लिखे। तो इसका जो आंसर होगा, निम्नलिखित सूत्र से इस मान का ज्ञात किया जा सकता है, जैसे F बराबर जी इंटू एम एन प्रति आर स्क्वायर। इस सूत्र से जो है हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर चार है, यदि दो वस्तुओं के बीच की दूरी को आधा कर दिया है तो उनके बीच के गुरुत्वाकर्षण बल किस प्रकार बदलेगा। तो इसका जो आंसर होगा, तो दोनों वस्तुओं के बीच गुरुत्वाकर्षण जो है 4 गुना हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 5 है कि पृथ्वी और चंद्रमा एक दूसरे को गुरुत्व बल से आकर्षित करते हैं, ठीक है। क्या पृथ्वी जिस बल से चंद्रमा को आकर्षित करता है वह बल उस बल से जिसे पृथ्वी चंद्रमा को आकर्षित करता है बड़ा है या छोटा है या बराबर है, बताइए और क्यों। क्योंकि इसका जो आंसर होगा, या दोनों बल जो है आपस में बराबर होंगे, या दोनों बल क्रिया प्रतिक्रिया बल का उदाहरण है। क्रिया प्रतिक्रिया बल के अर्थात न्यूटन के तृतीय नियम के अनुसार जो है एक दूसरे के ये बराबर होंगे। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, पृथ्वी तथा किसी वस्तु के बीच गुरुत्वाकर्षण बल को हम क्या कहते हैं। तो पृथ्वी तथा किसी वस्तु के बीच गुरुत्वाकर्षण बल को हम लोग कहते हैं गुरुत्व बल यानी ग्रेविटी फोर्स। क्वेश्चन नंबर 7 है कि मुक्त पतन क्या है। मुक्त पतन क्या है, तो इसका आंसर होगा, जब वस्तुएं पृथ्वी की ओर केवल गुरुत्व बल के कारण गिरती है तब हम कहते हैं कि वस्तु मुक्त पतन में है। इसी को हम लोग कहते हैं मुक्त पतन। और अगर आप क्लास 9 में हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि हम क्लास 9 का ऑलरेडी और हमेशा वीडियो बनाते रहते हैं, और हम क्लास 9 का ही तैयारी करवाते हैं और अगला साल क्लास 10 का तैयारी करवाएंगे। तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करके जो है बेल आइकन को हिट कर दीजिए, ताकि आपकी और हमारी जो है आपस में संबंध बना रहे। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 है, मुक्त पतन का त्वरण या गुरुत्वीय त्वरण क्या है। इसका आंसर होगा, जब कोई वस्तु मुक्त पतन में हो, अर्थात जब कोई वस्तु पृथ्वी के गुरुत्व बल के अधीन गिरती हो तो उसके त्वरण को मुक्त पतन या मुक्त पतन का त्वरण या गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है कि पृथ्वी के ध्रुवों पर गुरुत्वीय त्वरण का मान महत्तम होता है या न्यूनतम। तो इसका आंसर होगा, यह होता है महत्तम। कैसा होता है फ्रेंड्स, तो महत्तम होता है वहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 10, कमानीदार तुला से किसी वस्तु का क्या मापा जाता है। तो कमानीदार तुला से जो है किसी वस्तु का भार नापा जाता है, उसमें द्रव्यमान नहीं नापा जाता, क्या नापा जाता है, भार। क्वेश्चन नंबर 11, एक कागज की सीट, उसी प्रकार की सीट को मड़ोकर एक जो है गेंद बनाई गई से धीमी क्यों गिरती है। गेंद बनाई गई धीमी से क्यों गिरता है, क्योंकि जो है वायु का प्रतिरोध कागज की गेंद की अपेक्षा जो है सीट में अधिक लगता है, इसीलिए गेंद गेंद की अपेक्षा जो है सीट जो है धीरे धीरे
पृथ्वी से गिरता है और इसको जो है इसका कारण है पृष्ठीय क्षेत्रफल। और हम क्लास 9 का बायोलॉजी फिजिक्स केमिस्ट्री सभी का वीडियो बना दिए हैं, आप लोग चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर चेक करके देख सकते हैं और सभी चैप्टर 1 से लेकर सभी चैप्टरों तक बना चुके हैं, आप लोग जरूर देखिएगा। क्वेश्चन मुबारक की ओर बढ़ते, क्वेश्चन मुबारक, किसी वस्तु के द्रव्यमान, उसके भार और उसके गुरुत्वीय त्वरण में क्या संबंध है? हम जानते हैं कि इसका आंसर होगा वस्तु का जो भार होता है, वस्तु का द्रव्यमान गुना गुरुत्वीय त्वरण के बराबर होता है। वस्तु का भार जो है, वस्तु का द्रव्यमान और गुरुत्वीय त्वरण के जो है वह बराबर होता है। और क्वेश्चन नंबर 13, और ये आपका पार्ट 1 वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होगा और वीडियो को आप लोग लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 में बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है कि एक पिंड का द्रव्यमान 40 kg है, यदि पृथ्वी पर गुरुत्वीय त्वरण 10 m/s² हो तो पृथ्वी पर इसका भार क्या होगा? तो इसका क्या भार होगा? तो यहाँ पर देखिए द्रव्यमान दिया है इसका 40 kg और गुरुत्वीय त्वरण है 10 m/s², इसलिए भार जो होता है वस्तु का भार क्या होता है, वस्तु का द्रव्यमान गुना त्वरण, यानी द्रव्यमान जो है m इंटू जो है त्वरण, यानी g रख लीजिए अब, ठीक है। तो 40 kg गुना 10 m/s² करेंगे तो आ जाएगा आपका 400 kg m/s², इसको हम लोग कह सकते हैं 400 N, इसको 400 N भी कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम यहीं रहने देते हैं, और अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि हम क्लास 9 का लगातार वीडियो बनाते रहें। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम यहीं रहने देते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम, आप लोग तैयारी करते रहिए।